जी मैं एक फंक्शन में वो कॉल कर रहा हूँ। एडीजीपी मुकेश सिंह सर से, हमारे गृहक्षा कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार सर से और हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू मैडम अनिल लवासा जी से, मिशन निदेशक जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन मैडम इंदु कमल जी से आज दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। ग्रामीण विकास और पंचायती राज की सचिव श्रीमती मनदीप कौर जी, जम्मू के मंडलाधिकारी रमेश कुमार जी और प्रबंध निदेशक जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती इंदु कंवल जी, जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मुकेश सिंह जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों एवं यूपी से सरस आजीविका मेला में हिस्सा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहने, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं जम्मू कश्मीर में आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ग्रामीण अंचल की महिला एंटरप्रेन्योर्स को अपने कौशल तथा उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। देश के अलग अलग राज्यों से एकत्रित स्वयं सहायता समूह सीधे बायर से संवाद स्थापित कर सकेगा तथा इस प्लेटफॉर्म द्वारा एक दूसरे से अनुभव साझा करते हुए अपने व्यवसाय के भविष्य की रूपरेखा भी तय कर सकेगा। इस 11 दिवसीय आयोजन के लिए मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज की सचिव श्रीमती मनदीप कौर, प्रबंध निदेशक इंदु जी और इनके सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। 3 दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के वित्त मंत्री सम्माननीय निर्मला सीतारमन जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो बजट प्रस्तुत किया मत कालखंड, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो महिला उद्यमियों की भूमिका पर एक बड़ा भारी स्टेटमेंट वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में दिया और मुझे लगता है इसे केवल देश नहीं पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। देश जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो विकास की भागदौड़ हमारी बहनों के हाथों में होगी और सेल्फ हेल्प ग्रुप की इस विकास यात्रा भारत का ग्रोथ बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में यह मंतव्य व्यक्त किया। पूरे हिन्दुस्तान के 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बहनों को कैसे बड़े उद्योग का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है, बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण कैसे तेजी से किया जा सकता है, महिला उद्यमशीलता की नई इमारत कैसे लिखी जा सकती है, मैं समझता हूं इन सारी बातों का ध्यान वित्त मंत्री जी ने बजट में रखा। मैं आप सभी को आज इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जब वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी को संसद में अपना बजट भाषण शुरू किया तब अमृतकाल के विजन के लिए जिन 4 अवसरों को उन्होंने चुना था उसमें सबसे पहले, सबसे ऊपर और सबसे बड़ी प्राथमिकता सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी गई। मैं समझता हूं आपके श्रम, आपके समर्पण, आपकी योग्यता, आपके हुनर, आपके त्याग को भी सम्मान देकर आर्थिक विकास के उड़ान की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर सौंपी गई है और आपके आत्मनिर्भर गरिमापूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश की गई। देश भर से जितनी बहनें यहां आई हैं, एकत्रित हुई हैं, मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करना चाहता हूं जो दूसरे राज्यों और दूसरे संघ
शासित प्रदेशों से आई हैं। विश्वास करिए अगला एक दशक देश की विकासशील अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। आप सब जानते हैं कि आज हम ऐसे कालखंड में खड़े हैं जब हम दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आने वाले वर्षों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकें, इसकी हर कोशिश हो रही है। और मैं पहला इनिशिएटिव है हमारे देश में, देखिए एनआरएल में भारत सरकार की तरफ से भी जितना भी पोर्टल पे इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंसिंग के बारे में बताती हूँ। ये पहला इनिशिएटिव है जो हमारी उम्मीद है और उम्मीद की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए, जिसमें उनके सारे प्रोडक्ट्स की, उनकी सारी सर्विसेज की, उनके इकोनॉमिक स्टेटस की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ ही साथ चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, चाहे प्राइवेट कॉर्पोरेशन हो, चाहे प्राइवेट बिजनेस हो, उसके साथ उनको जोड़ेंगी। जिसमें मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे सीईओ जगेजा को, जिन्होंने इसी में काफी मेहनत की और ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए प्रोवाइड कराया था। सर, हेल्पलाइन हमारा दूसरा ऐसा इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं बल्कि अपने देश के हर सर्विस प्रोवाइडर्स और हर इंडस्ट्री के लोगों को हमारी जम्मू कश्मीर की सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ सकेंगे और उनके बिजनेस को और आगे बढ़ाने में इसमें हमें मददगार साबित होगी। आप आज हमारे पास कॉम्पिटिशन की तरह से कोई कमी नहीं है। हम हर एक व्यक्ति को प्रयास कर सकते हैं कि उनकी आमदनी हो रही है या नहीं हो रही। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि गांव में अगर एक महिला की इनकम प्रति माह 5,000 भी हो जाती है, 3,000 भी हो जाती है तो उसकी जिंदगी पैदल तो गर्गर हो जाती है। हम सब कुछ शायद नहीं कर पाएंगे लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो। डबल तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। मैं सबसे पहले तो मनोज गांधी का धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अलग अलग चीजों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक चीज में कहना चाहूंगा कि आप ये सब लोग ग्रामीणों की सरकार बहुत जनजन के साथ काम करती है और किसी के प्रेशर में नहीं आती है, उसका आप देखना और महिलाओं के उत्थान के लिए भी बड़ी है। हम लोग जितने लोग हैं किसी भी जनरेशन की तरह बढ़ेंगे जो माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का सारस आजीविका जम्मू 2023 में। सर, अगर इस 11 दिवसीय समागम को हम महिला सशक्तिकरण मेले का नाम दें तो आपके नेतृत्व में इस कॉन्सेप्ट को बहुत बल मिला है। आपके विजन को सार्थक बनाती है महिलाएं अब किसी से कम नहीं। 3 दशक के SHG अवार्ड्स में CLF मन्नत डोड़ा का पुरस्कृत होना और 26 जनवरी 2023 में परेड में JKRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप की लखपति दीदियों का शामिल करवाया जाना, ऐसा ऐतिहासिक फैसला आपके नेतृत्व में लिया गया। सर, आपकी परिकल्पना का जम्मू कश्मीर गांव की हमारी महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल करने में सक्षम साबित हो रहा है। सर, आपका स्वागत है। आई वॉन्ट यू वेलकम बॉडी चीफ सेक्रेटरी राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को एक उद्यमी के रूप में स्थापित होने का अवसर भी प्रदान करता है। इस मेले में विभिन्न राज्यों से हथकरघा, साड़ी, पोशाक सामग्री, सहायक उपकरण और जैविक हस्तशिल्प उत्पादों के सर्वश्रेष्ठ संग्रह का प्रदर्शन किया जाता है।
जी।